ओम शांति। आज 8 तारीख के मधुर महावाक्य मुरली का सार है, मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माएं कैसी हैं? अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। आजकल सबसे महंगी चीज कौन सी है? महंगी चीज है खुशी। लोग खुशी के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, खुशी के लिए सेमिनार कर रहे हैं, खुशी के लिए लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुशी के लिए एक्सरसाइज करा रहे हैं, लाफिंग क्लब बना रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, खुशी कैसे मिलेगी? जब पहले परमात्मा का परिचय और उसके साथ संबंध हो, तभी खुशी मिल सकती है। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल साधन है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं सब जुगाड़ू काम है। आइसक्रीम खा ली, खुश हो गए। नया कपड़ा खरीदा, खुश हो गए। आइसक्रीम खाने के बाद जुकाम हो गया, गला खराब हो गया तो दुखी हो गए। नया कपड़ा खरीदा, कहीं अटक गया, फट गया तो फिर मन खराब हो गया। सदा खुश रहने के लिए अपने मन को बस भगवान से लगाएंगे तभी खुश रहेंगे। प्रश्न, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। सुनी वंडरफुल बात बाबा की? कल भी बाबा ने कहा ना, मांगने थे मरना भला। और देखा जाए स्पेशली आज के युग में, आज के इस समय में, एट प्रेजेंट ब्रह्मा कुमारी सारी दुनिया के लिए पैसे के बाबत एक चैलेंज है। जहां का प्रिंसिपल है बच्चे मांगना नहीं है, मांगने ते मरना भला। साकार में बाबा थे, बाबा कहा करते थे, बच्चियां सेवा करो तो भूख क्यों मरो, सेवा करेंगे तो अपने आप। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे आएंगे जो सहयोगी बन जाएंगे। चाहिए क्या? अपनी तपस्या, बिना तपस्या के नहीं होगा। आज बाबा ने कहा कि रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है, कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो ज़रूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्कर हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। अन्य धर्म कैसे स्थापन होते हैं,
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, पहले धर्म पिता आता है, वो थोड़ा स्ट्रगल भी करता है, उसके बाद अपने आप उसके फॉलोअर्स हैं। महात्मा बुद्ध आए, पैदा तो राजा के घर में हुए, दुनिया की कुछ घटनाएं देखी, वैराग आ गया, घर बार छोड़ दिया, तपस्या की, तपस्या के बाद अपने आप उनकी फॉलोइंग हो गई, अन्य धर्मों की स्थापना की ये विधि है। गुरु नानक आए, सौदा करने गए, गिनती किया, 11, 12, 13, 13 के बाद 13, 13, 13, 13, 13 होता गया। लेकिन परमात्मा कैसे धर्म की स्थापना करते हैं, वहां पहले फाउंडर आते हैं, रिलीजियस फाउंडर, पहले धर्म पिता आया, उसके बाद उसकी फॉलोइंग है। भगवान पहले खुद धरा पर आते हैं और आकर देवी देवता घराने की आत्माओं को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, एक एक को अपना बच्चा बनाते हैं और नई दुनिया के काबिल बनाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है परमात्मा की स्थापना, धर्म स्थापना में, और मनुष्यों की धर्म स्थापना में। तो बाबा ने यही कहा है, जो भी और धर्म है वे कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापिस जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम अभी जानकार, नॉलेज फुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। मनुष्य होकर, एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे, नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए, जब धारणा हो तब ही अंदर में वह खुशी है। बाबा के बच्चों को इस बात पर अभी टोटल फोकस करना चाहिए, यही हमारी एकाग्रता चाहिए। योग में भी एकाग्रता तब आएगी जब पहले मेरे कर्म में एकाग्रता, हमें क्या करना है, मेरा हर कर्म गुण युक्त, शक्ति युक्त, दूसरों को सुख देने वाला, फिर देखो आपका योग कैसे लगेगा। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए, और बातें नहीं। आज बाबा ने क्या सुनाया, बाबा मुझे क्या बना रहा है, अपने अंदर ज्ञान का चिंतन करके खुशी क्रिएट करें। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है, ये मंत्र भी बुद्धि में है, हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं, कितना पुनर्जन्म लेते चक्कर लगाते हैं, ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों के अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने, कितने ऊंच बनते हैं फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्मा को तो इन आंखों से कोई भी देख ना सके, आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है ये, पढ़ाई ईश्वरीय है। कभी ये भी निकालो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया में गिनते हैं ना 7 वंडर्स, लेकिन देखो कितना बड़ा वंडर है, नई सत्युगी दुनिया की स्थापना कैसे होती है। सेकंड, आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश होती है, आत्मा कैसे शरीर से निकल जाती है, ये सब वंडर है ना। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहा जाता है, भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं है। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, ये दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए।
कितना वंडर है, मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। कहा ना वंडर की बातें निकालो, क्या क्या वंडर है इस दुनिया में जो लोगों को पता नहीं। भगवान स्वयं पार्टधारी नहीं बनता है, पर ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, मनुष्य आत्माएं अपना खेल कैसे खेलती हैं, कैसे पतित कैसे पावन बनते हैं, ये सब समझा देता है। इसलिए ही मुझे नॉलेज फुल कहते हैं। समझा नॉलेज फुल की डेफिनेशन। दुनिया में तो मान लो कोई किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, या कोई मेडिकल टीचर हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, वो जिस सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो नॉलेजफुल हूँ और तुम्हें आके पढ़ाता हूँ। हर एक बात वंडरफुल है। बाबा कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नति करनी है, पूछो अपने से उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, ये है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाएंगे, मनुष्य बनेंगे, वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई, उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें सारा पार्ट बजाने की नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। आज बाबा की मुरली में नोट करो क्या क्या वंडर बाबा बता रहे हैं। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं, ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है। परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। स्पेशली आज की दुनिया में किसी को कहो पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य को धारण करना है, ये है ना कितना बड़ा चैलेंज है। आज की इस पतित दुनिया में तो कोई ब्रह्मचर्य की बात कर ही नहीं सकता है, और ब्रह्मा कुमारी कितना बड़ा चैलेंज है विश्व के लिए। तो बाबा ने कहा जब ये बात सुनते हैं तो लोग सुन के ज्ञान तो अच्छा लगता है, फिर ढीले हो जाते हैं। हम श्री मत पर राजधानी स्थापन करते हैं, हम योग क्यों लगाते हैं, पवित्र क्यों बनते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य है। श्री मत पर राजधानी स्थापन करते, बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनको तो उपमा महिमा भी। हाँ देखो कितनी विचित्र बात है, ब्रह्मा बाबा का त्याग देखा, कोई महात्मा बनते हैं, कोई मंदिर बनवाता है, कोई कोई किसी प्रकार का धर्मशाला हॉस्पिटल बनाता है, सबसे पहले अपना नाम लिखता है। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, उसका पहला नाम गुम। दादा लेखराज का ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम ऐसे कोई नहीं कहता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाकर अपना बनाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं साकारता हूँ, माना भरता हूँ। फिर से सुनिए इसको, बच्चों के अंदर में आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से। अब सेवा में क्या चाहिए, क्वालिटी। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं साकारता हूँ, माना भरता हूँ। ये ना सोचो सेंटर खोलेंगे, सेवा करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। बाबा किसी ना किसी को निमित्त बनाएगा, पर अपने अंदर क्या चाहिए, निस्वार्थ भाव, सच्चा दिल,
सच्चाई ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाबा का बच्चा माना जो दिल से सच्चा हो, फिर आगे कोई चिंता नहीं। सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, सुना? फिर साथ में सावधानी, मांगो कोई से भी नहीं, मांगना नहीं है। हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, मेला कर रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आप सहयोग दीजिए। एक है आने वालों को इन्फॉर्मेशन देना, अपन फलां जगह प्रोग्राम करेंगे, कोई मेला करेंगे, अभी हम एक नया सेंटर बनाएंगे, उसमें जो सहयोगी बनना चाहे, दैट्स ऑल, बस। आप कितना करेंगे? या आप तो लाख लगा सकते हो, आप लगाइए ना, ये हमारी भाषा नहीं है। मांगो कोई से भी नहीं, जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं, बीज ही नॉलेजफुल है ना। तुम अनन्य बच्चे जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन कीजिए। हर कोई अपने से पूछे, आप अपने घर में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, आपको सहन करना पड़ता है या नहीं करना? लेकिन विचित्र है, बाबा के घर में आते हैं, सेवा कहते हैं हम सेवा तो करेंगे पर हम सुन नहीं सकते, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर आप सेवा भी नहीं कर सकते। वेरी क्लियर। हम भीड़ में जाएंगे, हम तो ठीक जा रहे हैं पर भीड़ है, कोई ना कोई इधर इधर कंधे से टकराएगा तो सही या नहीं टकराएगा? हम कहे क्यों टकरा रहे हो, इम्पॉसिबल। सुनिए फिर से, बाबा समझाते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं, अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसे माया की चमाट लग जाती है। कहते हैं हम तो गिर गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ते नीचे, चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो जाती है। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर गुम हो गए। हमने देखा साकार में, कईयों ने साकार बाबा को लिख के दिया प्रतिज्ञा की, बाबा हम आपके पक्के बच्चे हैं, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा के होते ही कुछ समय के बाद छोड़ के भी चले गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। बाबा भी कभी कभी कह देते हैं ना, बच्चे पक्के हैं तो खून से भी लीक कर देंगे। बाबा कहता है ये भी एक ट्रिक है, मेथड है, टू मेक श्योर कि आप बाबा के पक्के बच्चे हो। लेकिन फिर भी पक्के बनते हुए भी माया खा जाती है। इतना सहज समझाते हैं पार्टधारी को अपने पार्ट का ही सिमरण करना चाहिए। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बनी हूं? केवल बाबा को याद करने के लिए, और जो सेवा हो सके वो सेवा करो, दैवी गुणों को धारण करो। इनको छोड़कर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो सकते। अपना पार्ट कोई भूल थोड़ी ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। दिल होता है ऐसा बाप, वर्षा देने आए हैं उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक कर। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छी या अच्छा है,
इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषता। आप देखेंगे कभी कभी ना पर्टिकुलर हम कहते हैं ये भाई ये बहन या ये फलाना, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बेचारे के आगे ये समस्या है तो मैं इसको हेल्प करूं। अब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने हेल्प किया या आत्मा समझ के हेल्प किया, ये बाबा का बच्चा है ये समझ के हेल्प किया, फर्क हो जाएगा ना। लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भल करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। सुना क्या करना है? न्यारे और प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज है साइलेंस। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मुझे साइलेंट रहना चाहते, नॉन रिएक्टिव, फिर देखिए सेवा कैसे होगी। ओम शांति।